नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीपी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एक ऐसा क्षण जिस पर पूरी दुनिया की आंखें टिकी हुई थी, अपनी सांसें थाम कर बस इंतजार कर रहे थे, तो उस ऐतिहासिक लम्हे का जब विक्रम के चांद पर उतरते ही भारत का नाम एक शक्तिशाली देश के रूप में शामिल हो जाएगा। लेकिन अचानक महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे विक्रम से वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया और सारी खुशियां एवं उत्साह मायूसी और गम में तब्दील हो गई। यह वाकई वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही कष्टदायी क्षण था। 10 सालों की मेहनत के बाद सफलता हाथ लगते लगते रह गई। इसरो प्रमुख के सिवन के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया और अंततः उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने के बाद इसरो चीफ ने देश को संबोधित कर पल पल की जानकारी दी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप सभी ने देश को बहुत कुछ दिया है, विज्ञान को बहुत कुछ दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर मैं देख रहा था कि कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए, लेकिन कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने, अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ बहुत सारी चीजें हमें देता रहे, तो होप फॉर द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने, आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। फिलहाल अभी संपर्क टूटा है पर हौसले अभी भी बुलंदियों पर है। अब इंतजार है तो केवल उस क्षण का जब चंद्रयान 2 से दोबारा संपर्क में आ सकेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आईडीपी 24 न्यूज में। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।